वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें हो सके ईयर क्या होगा चेंज होगा, तो आप अपने बुक अकॉर्डिंग क्या करेंगे ईयर सेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आने वाला जो कुछ क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16 ये सब क्वेश्चंस में है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है फाइंड आउट करना है, राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिफरेंट डिफरेंट जो आपका सर्कमस्टांसेस रहेगा, जो कंडीशंस रहेगा, सिचुएशंस रहेगा, वहां पर कौन सा फॉर्मूलाज यूज किया जाएगा, इसका वीडियो क्या है अवेलेबल है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स प्लेलिस्ट में। तो हम ये आशा करते हैं कि पहले वो जो आपका एवरेज पीरियड या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज का वीडियो आप देख चुके हैं, राइट। हम ये आशा करते हैं, नहीं देखे तो जाके पहले क्या करेंगे देख लेंगे, नहीं तो अगर आप वो वीडियोज नहीं देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे तो हो सके आपको समझने में थोड़ा परेशानी आ सकता है, इसलिए वो जो वीडियोज अवेलेबल है, जो फॉर्मूलाज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, नहीं देखा जाके क्या करें देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे ढंग से समझेंगे। बोलता क्या है, पवन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म है जहां पे पार्टनर कौन है आपका, पवन है। फिर बोलता क्या है, ही विड्रू द फ्लोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यानी वो जो आपका पवन है उसने क्या किया है, अमाउंट विड्रॉ किया है आपका 31 मार्च 2022 तक किया, ठीक है। और पूरा डेट मेंशन है कि कितना कब आपका विड्रॉ किया है। पहला बोलता है 1 जुलाई 2021 को 20,000, उसी तरीका से 31 अगस्त 2021 को 40,000, 1 अक्टूबर 2021 को आपका 10,000, 31 जनवरी 2022 को 5,000, 1 मार्च 2022 को 5,000, 31 मार्च 2022 को आपका 10,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया है, वो आपका ड्राइंग्स किया है कौन, आपका पवन, इन डिफरेंट डेट्स, इन डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। और देखिए क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना परसेंट है आपका, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स क्या किया गया, निकाला गया। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स क्या किया गया, निकाला गया। देखिए कभी 1 जुलाई को निकाल रहा है, कभी 31 अगस्त को निकाल रहा है, कभी 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, कभी 31 जनवरी को। यानी कोई आपका सेम नहीं है कि 1 जनवरी को निकाल रहा है, 1 फरवरी 1 मार्च, ऐसा नहीं है। ये आपका मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, 31 जनवरी 28 फरवरी, 31 मार्च 30 अप्रैल, ऐसे भी नहीं, या किसी भी मंथ के मिड में भी नहीं निकाल रहा है, 15 जनवरी 15 फरवरी 15 आपका मार्च 15 अप्रैल, नहीं। डिफरेंट डेट्स डिफरेंट अमाउंट्स, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिए, जब डिफरेंट डेट्स रहेगा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स निकालेगा, अमाउंट भी इक्वल नहीं है, 20,000 40,000 10,000 5,000, इस तरह से। तो जब डिफरेंट डेट्स को निकालेगा और डिफरेंट अमाउंट्स, मतलब डेट्स भी अलग अलग है और अमाउंट्स भी अलग अलग है, तो वहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपका 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक निकालिएगा, फिर आपका फिर 31 अगस्त से फिर 31 मार्च, 6 बार कैलकुलेट नहीं करना है, एक बार में ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा, फिर से बोल रहा हूं, जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स रहे और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स रहे, मतलब जो ड्राइंग्स किया है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को किया है और अमाउंट भी आपका क्या डिफरेंट डिफरेंट
से, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा आपका, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सोल्यूशन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू पीरियड, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देना चाहता हूँ कि आप समझ जाइए। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह भी है। प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू पीरियड, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट का क्या होता है आपका फॉर्मूला, अमाउंट इनटू पीरियड, मतलब कितना अमाउंट कितना टाइम के लिए रहा उसको हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले डेट, फिर क्या है अमाउंट, फिर सुन लीजिए पीरियड ऑफ मंथ्स अप टू मार्च, क्योंकि मेरा क्लोजिंग कौन है आपका 31 मार्च है ना, तो मार्च तक ही रहेगा, 31 दिसंबर रहता तो 31 दिसंबर, तो अप टू मार्च, मार्च तक, उसके बाद क्या प्रोडक्ट। तो देखिए इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं 1 जुलाई, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए फर्स्ट जुलाई कितना है 2021 है ना, फर्स्ट जुलाई 2021, ठीक है, 1 जुलाई 2021 कितना निकाला है आपका 20,000, तो अमाउंट कितना हो गया 20,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकाल रहा है, पीरियड ऑफ मंथ्स अप टू मार्च, अब देखिए कितना मंथ्स आपका 20,000 रुपया रहा, तो उतना ही मंथ्स पे ना आप इंटरेस्ट ऑन रैंक चार्ज करेंगे, तो जुलाई में निकाला, ठीक है, 1 जुलाई, तो पूरा जुलाई काउंट होगा, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ्स, क्योंकि मेरा क्लोजिंग कब है 31 मार्च, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए मेरा, 9 मंथ्स, तो यहाँ पर कितने हो गए आपका पीरियड मंथ्स अप टू 9 हो गया जी। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है अमाउंट इनटू पीरियड, मतलब अमाउंट में पीरियड क्या करेंगे गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा मेरा प्रोडक्ट, तो देखिए 20,000 है ना, 20,000 गुना कितना कर दें 9, तो कितना आया मेरा 1,00,000, 1,00,000 कितना आ गया मेरा 80,000, ठीक है जी, ये मेरा हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा बोलता है 31 अगस्त, क्या है आपका 31 अगस्त, यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, 31 अगस्त है ना, चलिए 31 अगस्त हो गया जी, और कितना है 2021, 31 अगस्त 2021 कितना है 40,000, तो लिख देते हैं कितना 40,000। अब मार्च तक काउंट कीजिए, तो देखिए अगस्त है ना, और अगस्त क्या है 31 अगस्त, यानी अगस्त तो कंप्लीट हो गया 31, तो काउंट कहाँ से होगा सितंबर, तो देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, कितना हो गया मेरा 7 मंथ, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे ना, क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे 40,000 गुना क्या कर देंगे 7, तो कितना आएगा 2,80,000, कितना आएगा मेरा 2,80,000, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना आएगा मेरा 2,80,000, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फिर कौन सा है आपका 1 अक्टूबर, यही ना है आपका अगस्त, हाँ अक्टूबर, तो लिखेंगे क्या हम लोग फर्स्ट, क्या लिखेंगे अक्टूबर, कितना है आपका 2021, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को कितना निकाला आपका 10,000, कितना निकाला 10,000, तो आपका 1 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर काउंट होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, हो गए कितने मंथ हो गए 6 मंथ, तो 10,000 को 6 से गुना करेंगे कितना जाएगा मेरा 60,000, कितना जाएगा 60,000। बस 31 मार्च तक आपको देखना है कितना मंथ कितना अमाउंट रहा, गुना कर देंगे अमाउंट और मंथ में मेरा क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला को यूज करके तुरंत हम लोग इंटरेस्ट और ड्राइंग्स फाइंड आउट कर लेंगे, तुरंत हम बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कॉपी पे बना बनाया बताना नहीं है, न तो 5 से 7 मिनट्स में हो जाएगा, मैं सब कुछ अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, इससे आपका क्या हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपका अक्टूबर हो गया ना, फिर क्या है 31 जनवरी 2022, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 31 क्या है आपका जनवरी है ना, 31 जनवरी 2022, तो 31 जनवरी 2022 को कितना निकाला आपका 5,000, कितना निकाला
5000। अब देखिए जनवरी है, 31 जनवरी है ना, तो जनवरी तो काउंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट में निकाला, तो काउंट कहाँ से होगा, फरवरी। तो फरवरी और मार्च मात्र 2 महीना हुआ ना, तो आपका क्या हुआ, 5 × 2 = 10,000, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा, 10,000। ठीक है, उसके बाद कौन है आपका, देख लीजिए जनवरी हो गया ना, 31 जनवरी। ठीक है, फिर क्या बोलता है, 1 मार्च को निकाला, 1 मार्च कब निकाला आपका, 1 मार्च 2022। ठीक है, तो 1 मार्च 2022 को भी कितना निकाला, 5000। फिर कितना निकाला आपका, 5000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्च है ना, एक मार्च, तो मार्च तो काउंट होगा, 31 मार्च तक देखना है हमको, तो मार्च काउंट होगा तो कितना मंथ हो जाएगा, 1 मंथ, तो 5 का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5000। एक बार फिर से बोल रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, अब कब निकाला, देखिए अब निकाला 31 मार्च 2022, तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 कितना निकाला, 10,000, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 10,000। अब बताइए 31 मार्च को निकाला और 31 मार्च मेरा क्लोजिंग है, तो कोई भी पीरियड हुआ, एक भी मंथ हुआ, नहीं हुआ, तो 10,000 को 0 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा मेरा, 0 0 आ जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग इसको, तो टोटल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 1,80,000, फिर हो गया 2,80,000, फिर हो गया 60,000, फिर हो गया आपका 10,000, फिर कितना हो गया मेरा, 5,000। ठीक है, ये तो मेरा 0 0 था, तो कितना हो गया मेरा, 5,35,000, कितना आया, 5,35,000, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 5,35,000। ठीक है, अब इसको भी क्या करें, अमाउंट को भी जोड़ लीजिए, 20,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 10,000, फिर कितना हो गया आपका, 5 5 10 20,000 ना, सीधा 20,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, 90,000, कितना हो गया, 90,000। तो इस अमाउंट से हमको मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन जोड़ दिए हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100। और देखिए यहाँ मंथ्स में है ना, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, मंथ्स में रहेगा तो 1/12, मंथ्स में रहेगा तो 1/12, डेज में रहेगा तो 1/365, अगर वीक में रहेगा तो आपका 1/52। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ्स होता है, एक साल में 365 डेज होता है और एक साल में 52 वीक्स होता है, तो अगर मंथ में रहेगा तो 1/12, डेज में अगर इन्फॉर्मेशन रहता तो 1/365, वीक्स में रहता तो 1/52। तो मैं आशा करते होंगे ये वाला आप समझ गए होंगे कि आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, हम समझाने के लिए लिखे थे, तो आपका मंथ्स में तो 1/12 यूज होगा। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तुरंत, टोटल प्रोडक्ट्स कितना है आपका, देख लीजिए 5,35,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, 12% है ना, तो 12%, तो 12/100 लिखिए। ठीक है, और इनटू क्या करिए, 1/12, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे ना, तो कितना जाएगा मेरा, कितना जाएगा आपका, 5,350 है ना, 5,350 ही आ रहा है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 से 12, हाँ कितना आ गया मेरा, 5,350, यही मेरा क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। ठीक है, 5,35,000 गुना 12 और भागा कितना हो गया मेरा, 1,200। ठीक है, 5,350, तो ये जो 5,350 है ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कौन सा मेथड मैंने यूज़ किया आपका, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को रहेगा, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट मेथड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या कर, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले।
राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वो भी क्या करते हैं, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है आपका, बोलता है क्या है, दिव्यांशु इज अ पार्टनर इन अ फर्म। कौन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, दिव्यांशु एक फर्म में क्या है, पार्टनर है। ही विड्रू द फ्लोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2022। सुन लीजिए, ये आपका क्लोजिंग कहां तक है आपका, 30 जून 2022, हाफ ईयर का है, यानी 6 मंथ का डेटा से, कितने मंथ का है, 6 मंथ का डेटा है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए 31 जनवरी को निकाला 400, फिर 28 फरवरी को निकाला 350, फिर 31 मार्च को 500, 30 अप्रैल को 250, 31 मई को आपका कितना 150, फिर आपका 30 जून को कितना 200। तो इस तरह से कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइस कितना 8% है, और आपका क्लोजिंग कब है, 30 जून। तो 30 जून तक ही हम लोग देखेंगे, 31 मार्च या 31 दिसंबर नहीं है, 30 जून। तो क्लोजिंग मेरा 30 जून है, 30 जून तक ही देखेंगे। तो यहां पर भी डिफरेंट अमाउंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, कौन सा मेथड यूज होगा मेरा, प्रोडक्ट मेथड। देखिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख दिया है, अमाउंट इनटू पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट, डेट कौन है आपका, ध्यान से, सबसे पहले डेट कौन है इसका, सबसे पहले 31 जनवरी, ठीक है। तो आपका लिखेंगे यहां पर क्या, 31 जनवरी, बस 31 जनवरी है ना, अमाउंट अमाउंट ऐसे ईयर नहीं है, छोड़ देते हैं। 31 जनवरी कितना है आपका, 400, ठीक है, 31 जनवरी 400, और क्लोजिंग कब है मेरा, 30 जून। तो देखिए आपका 31 जनवरी है, तो 31 यानी जनवरी तो काउंट नहीं होगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स, कितने मंथ हो गए, 5 मंथ्स। तो 400 गुना 5 कितना हो गया मेरा, 2000, कितना हो गया मेरा, 2000, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते ना, कितना हो गया मेरा, 2000, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फिर कौन है आपका, 28 फेब 350। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 28 क्या है आपका, फरवरी, 28 फरवरी कितना है आपका, देख लीजिए 350, तो यहाँ पे लिखेंगे 350, तो आपका 28 फरवरी, तो फरवरी तो खत्म हो गया, तो मार्च से होगा, मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ, कितने हो गए मेरा, 4 मंथ, ठीक है। तो 350 गुना 4 कितना हो जाएगा, 700, 7 × 2 = 1400 ना, कितना हो जाएगा मेरा, 1400, यानी आपका कितना हो जाएगा मेरा, 1400, ठीक है। तो ये आपका हो गया 350 गुना क्या है, 4, ठीक है, 1400। अब लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या है आपका, फिर कहाँ, 31 मार्च हो गया ना, नहीं 28 फरवरी हुआ, 31 मार्च को 500 है, तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 31 मार्च को कितना है मेरा, देख लीजिए 500, तो 31 मार्च को ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून, तीन मंथ्स हुआ ना, तो आपका 500 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा, 1500। याद रखिएगा यहाँ पे क्लोजिंग कौन सा डेट है मेरा, 30 जून, तो 30 जून को ही लिखेंगे, है ना, 1500 थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। 31 मार्च हो गया, उसके बाद कौन है, 30 अप्रैल, फिर कौन है मेरा, 30 अप्रैल, तो लिखिए 30 अप्रैल, ठीक है। तो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को कितना है मेरा, 250, 30 अप्रैल को कितना है, 250, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, 30 अप्रैल है, तो मई और जून कितना मंथ हो गए, 2 मंथ, तो आपका 250 गुना 2 कितना हो गया मेरा, 500, ठीक है। फिर कौन है आपका, देख लीजिए फिर आपका 30 जून, फिर कौन है आपका, 31 में हो गया ना 150, नहीं थोड़ा छूट रहा है जी, अप्रैल हुआ ना, अप्रैल, फिर कौन है, 31 मई, यहाँ पर लिखिए आप 31 मई, तो 31 मई को कितना, देख लीजिए 150, 31 मई को कितना है, 150, तो 150 लिखिए, और आपका मई, तो मई तो ख़त्म हो गया, तो बचा कौन, जून, तो एक ही मंथ ना, तो कितना हो गया यहाँ पे, 150, कितना हो गया मेरा, 150, ठीक है। फिर आपका है लास्ट वाला कौन, 30 जून, तो लिख देते हैं आपका कौन है, 30 जून, तो 30 जून को कितना निकाला आपका, देख लीजिए 200, और क्लोजिंग भी मेरा कितना है, 30 जून ही है, क्लोजिंग भी कौन है, 30 जून, तो आपका कुछ भी नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो आपका 200 को 0 से गुना करेंगे तो मेरा 00 ही आ जाएगा ना, 00 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट को क्या करें, ऐड कर देते हैं सबको, 2000, फिर कितना हो गया मेरा, 1400, फिर हो गया 1500,
फिर हो गया 500, फिर कितना हो गया 150, फिर 150, बस इतना ही है। 555 कौन है आपका? 555 यानी 5550, इसको भी जोड़ देते हैं। ऐसे इस अमाउंट का काम नहीं लेकिन जोड़ देते अच्छा लगेगा। 400 450 500 250 500 250 फिर कितना हो गया 200, ठीक है 1850। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल प्रोडक्ट्स कितना आया देख लीजिए, 555 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स। रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है देख लीजिए, रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है 8%, तो 8/100 कीजिए, ठीक है, और इंटू क्या कीजिए आपका देख लीजिए 1/12, तो कर दीजिए 1/12, सीधा सा बात है, तो 1/12 कर देंगे ना, 1/12 कर दिए, तो देखिए 555 × 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है, तो 37 रुपया आया। कितना आया आपका? 37 रुपया। तो ए आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रोडक्ट मेथड को क्या किया, यूज किया, यूज करके मैंने क्या किया आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 क्या किया सॉल्व कर दिया। अब मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ सोल्यूशन देखिएगा, स्क्रीन शॉट लेकर तो दिक्कत हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि जो आपका इंटरेस्ट और ड्राॅइंग्स वाला जो फॉर्मूलाज है इसका वीडियो अवेलेबल है। एवरेज पीरियड कैसे निकालते इसका वीडियोज अवेलेबल है। आपका हर मंथ के पहला तारीख निकालेगा, हर मंथ के मिड में निकालेगा, हर मंथ के लास्ट में निकालेगा, 9th month पे 6th month पे क्वार्टरली सबका आपका क्या एवरेज पीरियड का वीडियो अवेलेबल है, फॉर्मूलाज अवेलेबल है। नहीं देखा देख लेंगे, आप क्या करें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, बोलता है एम एंड एन आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है, पहला का नाम एम है, फिर कौन है आपका एन, ठीक है। As per their partnership agreement, interest on drawings is to be charged at rate of 10% per annum. यानी जो partnership deed है, partnership agreement है, उसके अनुसार partners जो drawings करेगा उस पर firm interest charge करेगा कितना percent के रेट से, 10% per annum. Their drawings ड्यूरिंग 2022 वेयर कितना 40,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। और 2022 में जो टोटल ड्राइंग्स किया है आपका एम किया है कितना आपका 40,000, एम कितना किया आपका देख लीजिए 40,000, ठीक है, और आपका जो एन है एन कितना किया आपका 20,000, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेस्ड ऑन द अजम्पशन, क्या अजम्पशन, दैट द अमाउंट विल वाज विड्रॉन एवरी थ्रू आउट द ईयर। मतलब बोलता क्या है, पूरा एक साल ठीक किया आपका ड्राइंग्स किया गया है एम के द्वारा एन के द्वारा, और टोटल जो एक साल का ड्राइंग्स है एम का है 40,000 और एन का कितना है 20,000, लेकिन इसमें ये क्लियर मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग्स किया, हर मंथ के पहला तारीख को या हर मंथ के मिड में या हर मंथ के लास्ट में या डिफरेंट डिफरेंट डेट्स डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स, कोई भी इस चीज़ का डेटा नहीं है। बस बोल रहा है कि आपका 40,000 निकाला गया एम के द्वारा पूरा साल में और 20,000 निकाला गया एन के द्वारा पूरा साल में, और अजम्पशन मान के आप क्या कीजिए बनाइए। तो ध्यान सुनिए, जब पूरा एक साल आपका ड्राइंग्स किया गया है और आपका टाइम का जिक्र नहीं है कि कब किया गया, इस स्थिति में अगर एक साल का केस रहेगा तो वहाँ पर हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर मंथ के मिड में निकाला और 6th month पे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ पे एवरेज पीरियड निकालेंगे 6th month पे। देखिए कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज पीरियड बराबर टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। जब इस बात का मेंशन ना हो कि आपका ड्राइंग्स कब किया गया, तब हम लोग टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखिएगा टोटल मंथ्स कितना, पूरा एक साल निकाला ना, तो आपका टोटल मंथ्स कितना हो गया 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आ गया मेरा
सिक्स मंथ्स, कितना आ गया 6 मंथ्स। अगर मान लेते हैं कि आपका 9 मंथ्स तक निकालता तो यहाँ पर कितना होता, 9/2, तो जो भी आता कितना होता 4.5 मंथ्स हो जाता। अगर 6 मंथ तक निकालता तो 6/2, तो आपका कितना जाता 3 मंथ्स, कितना जाता मेरा 3 मंथ्स। तो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि जब 6/12 कर देंगे, 1 साल निकालेगा तब 6/12, 9 मंथ तक ही निकालेगा, 9 मंथ्स तक, तो कितना होगा 4.5, ठीक है 4.5, 6 मंथ निकालेगा 2, मान ली 8 मंथ तक निकाला तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 मंथ्स। तो देखना पड़ेगा कितना मंथ क्या किया निकाला, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूरा 1 साल निकाला तो कितना मंथ्स हो गया मेरा 6 मंथ्स, कितना हो गया मेरा 6 मंथ्स। अब देखिए तुरंत कैलकुलेट कर देते हैं और देखिए कौन कौन है आपका, तो क्वेश्चन कॉल पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट आपका है 10%, देन ड्राइंग्स हो गया 20,000 और एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे क्या एम है ना, तो लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, कौन है आपका एम, कौन है एम, फोर कितने मंथ 6 मंथ्स, क्योंकि आपका 1 साल है, 1 साल को 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया देख लीजिए आपका, कितना हो गया, कितना था 40,000 था ना, तो लिखेंगे क्या 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ ना 10%, तो 10/100 और गुना 6/12, बस यही वाला 6/12 क्या करेंगे कर देंगे, क्योंकि 1 साल निकाला है 6/12 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा 1200, ठीक है, तो 2000 आएगा, कितना आएगा मेरा 2000, ठीक है। अगर ऐसे करके ऐसे दिखाना दिखा दीजिए सब, ठीक है, ठीक है, 400 × 5 कितना हो गया मेरा 2000, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अब उसका निकाल लिए ना, अब कौन है मेरा एन, तो लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, कौन है मेरा एन, फोर कितना मंथ 6 मंथ्स, ठीक है 6 मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स कितना किया देख लीजिए 20,000, कितना किया 20,000, तो 20 लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6/12, ठीक है। तो आपका इसको भी उड़ा देते हैं, 200 × 200 कट गया, ये कट गया 2 बार में, ये हो गया 5, 200 × 5 यानी कितना हो गया मेरा 1000, तो इसका ये आंसर हो गया और आपका इसका ये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया आपका क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया है, आप 2-3 बार देखिएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इसका क्या कर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आशा करता हूँ उसका क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16 सभी को बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं, थैंक यू।